जय श्री राम, इट्स मी अनु। तो आज हम आए हैं रचित भैया के घर पर और हम रात को ही आ गए थे 11 बजे तक गुड़गांव। और आज हम निकल रहे हैं स्कूल के शूट पे, फिर से 9 बज चुके हैं तो अब निकलते हैं स्कूल के शूट पे। गुड़गांव के हाल ऐसे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। दिल्ली में तो थोड़ा बहुत दिख तो रहा है कम से कम, ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस ऐसे हवा है, धुंध है और कुछ नहीं है। बट आज हवा नहीं चल रही, उस दिन की तरह धुंध है। सही है, इतनी ठंड नहीं लग रही पहली वाली। इंस्टा मेरे पास आ गया, मैंने इसे बोला इंस्टा आ गया मेरे पास। इंस्टा अंदर हो रहे रेडी, फिर निकलते हैं। भैया भी रेडी हो रहे खाना वाना खा के। तो हम पहुंच गए स्कूल में। ये स्कूल तो अलग है, वहाँ बच्चों का फंक्शन हो रहा है। ये स्कूल उस स्कूल से बहुत अलग है। तो यहाँ की लोकेशन इसलिए ली गई है क्योंकि यहाँ पर ऐसा डेकोरेट कर रखा है जैसे शादी का वो होता है ना, जो भी होता है। तो मैं बच्चों वाले झूले पर बैठने जा रही हूँ। शादी का वीडियो है, मतलब स्कूल की टीचर की शादी, ऐसा ही कुछ। तो इसलिए ये स्कूल सेलेक्ट करा इस बार। छोटे बच्चे चलाओ, छोटी बच्ची हो गई। तुम पे ज्यादा डायलॉग सूट करता है ये गरीब। फिर से करना। यस यस, तुम ही चला रहे हो झूला, तो हम तो झूल रहे हैं। तू भी थोड़ी कोशिश कर। जय माता दी, जय माता दी। हम बच्चे हैं, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, नर्सरी क्लास में। मैं फर्स्ट में पढ़ता हूँ, फर्स्ट में। और सेकंड में, तुमसे बड़ी हूँ। पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, पत्ते गिरते हुए। अला देखो बच्चों ने कितना सुंदर बना रखा। अब हम सूट के लिए नीचे आ गए हैं, अब होने जा रही है सगाई। तो अभी हम लोगों का शूट हो रहा है, हो चुका है वैसे, 2-3 क्लिप लेनी पड़ेगी। और अब हमारा शूट हो गया कंप्लीट, थोड़ी देर बाद हमारा शूट होगा। तब तक एक एंगल उनका रह गया है दूल्हे का, तो इनका इनका होगा। और अब मुझे भूख लग रही है, मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया था और अभी भी कुछ नहीं खा रखा। सुबह सिर्फ चाय पी ली थी और फिर निकले थे हम। किसी ने वैसे कुछ नहीं खा रखा, रचित भैया ने खा लिया था। और मतलब ये लोग पैकिंग वगैरह में रह गए थे कि सामान रखना था, इस वजह से कोई भी नहीं खा पाया। ऊपर से बहुत लेट हो गए थे। कोई नहीं, अब ब्रेड भी मिल जाए ना, वो भी खा लूँगी मैं तो। अब घोड़ी वाला सीन लिया जाएगा। ये लोग पैरा वैरा बांध के एकदम तैयार है। अब शूट स्टार्ट हो रहा है घोड़ी वाला। बच्चों को किसने खबर दी कि रचित भैया यहाँ पर है? और सारे बच्चे आए जा रहे, कभी बच्चे आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा क्या है ये माइक। हेलो हेलो, बोलो क्या काम है। देख रहे हो बच्चों, भीड़ लगा लेते हैं यार ये लोग, जहाँ रचित भैया वहीं आ जाते हैं। रात हो चुकी है और अब संगीत का जो शूट है अब वो होगा। तो ये लोग सजावट कर रहे हैं ताकि संगीत का शूट हो सके। अब पूरा डेकोरेट हो गया है और बता नहीं, अब स्क्रिप्ट से अब समझाई जा रही है। क्लासरूम पूरे अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया है, हल्दी का फंक्शन। वाह भाई वाह, क्या डाल रहे हो भाई। तो शूट खत्म होगा,
9 बज चुके हैं और अब हल्दी की बारी है और दीदी ने भी कपड़े चेंज कर दिए हैं हल्दी वाले। अब हल्दी का फंक्शन। फाइनली दुल्हन तैयार है और अब हम नीचे जा रहे हैं मंडप में दीदी की शादी कराने। अब यहाँ का शूट मंडप सॉरी दूल्हे जी कहाँ गए? गायब हो गए? कोई बैठे दी सुंदर लग रहे हो। रात के बज गए हैं, कितने बज गए? 1 बज गए होंगे, 1:30 हो रहे हैं और अभी तक शूट चल रहा है। जो भी होता है यार, मुझे नहीं आता बोल। 1:30 ठीक है, 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, ठीक है चलो। हाँ, और अभी तक हमारा शूट चल रहा है, अभी 4 पेज का रह गया है डायलॉग। फाइनली थंबनेल वगैरह सब बन चुके हैं और आज शूट होता है कंप्लीट। क्या रिएक्शन देना नहीं आता इस बंदे को, वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं, बेकार इंसान है बेकार। तो सारे थंबनेल वगैरह के शूट हो चुके हैं और एंड का भी हो रखा है और रात के बज गए हैं 2 और अब हम निकलते हैं रूम पे। इंस्टा अंदर, चप्पल क्यों ले रखी मुंह में? किसको मारने की प्लानिंग है? कर दूं गेट बंद? कर दूं चप्पल बाहर रख, क्या ऐसे मार रहा है? ठीक है, कर दूं। बस 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 मेरे ऊपर नहीं प्लीज।